अरहर की मलवा खेती कैसे करें। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो अरहर की खेती करते हैं, क्योंकि अरहर में प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है, इसीलिए इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो अरहर की खेती के साथ साथ अन्य और आप किस चीज़ की खेती कर सकते हैं जिससे किसान भाई बहन और अधिक लाभान्वित हो सकते हैं, चलिए आज हम जानेंगे, मिलते हैं विशेषज्ञ से, लेते हैं जानकारी। अगर हम अरहर की मलवा खेती की बात करते हैं तो मलवा खेती क्या होता है? मलवा खेती का मतलब है इंटरक्रॉपिंग, जो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। ये नया तकनीक कुछ नहीं है, ये बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं। एक ही फसल नहीं करते हैं, साथ में दो तीन फसल लेके जाते हैं। एक ही हमारा खेत में जो है एक फसल के साथ दो तीन फसल भी रहेगा, ताकि हमारा जो रिसोर्सेस है, जो भी मिट्टी है या ऊपर का जो ब्रांचिंग है, ये सब हमारा पूरा जो एरिया है यूटिलाइज हो जाएगा और इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगा। पर यूनिट का जो प्रोडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग में, कम से कम डबल मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे फसल चुनना चाहिए कि दोनों में कॉम्पिटिशन ना हो, ताकि रूट जोन में भी हो या ब्रांचेस, माने जो उसका जो ऊपर का जो पौधा का जो ग्रोथ का पोर्शन भी है उसमें भी कॉम्पिटिशन ना हो, ऐसे हम लोग को सेलेक्ट करना है। ये अरहर में मलवा खेती बहुत फेमस हुआ है अरहर में ही। लगभग हमारा भारत देश में 80% तक हमारा अरहर जो है मलवा खेती में ही होता है, सोल क्रॉप में कोई नहीं करता है। जैसे हम लोग देखते हैं बंड्स में लगा रहता है, और इसके साथ जोवर या बाजरा के साथ मलवा खेती में बहुत पहले से परंपरा चल के आ रहा है। तो ये हम लोग वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं, इसमें कितना रेशियो में आपको सोरगम लगाना है, कितना रेशियो में अगर मूंगफली लगा रहे हैं, क्या क्या फसल इसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं करेगा, वो सब हम लोग वर्कआउट किए थे। मैंने पूरा ICR में ये हुआ है रिसर्च, और ये हम लोग का जो वेराइटीज़ भी उसके अनुसार कितना रेशियो में लगाना है, ये सब हम लोग रिसर्च किए हैं। तो इसके चलते हम लोग अरहर में अगर देखेंगे तो सोरगम बहुत प्रॉफिटेबल है। दो रो का आप डबल जो पेड रो बोलते हैं, दो रो का सोरगम लगाना है और एक रो का अरहर लगाना है। इसमें आपका है ना जो BC रेशियो बोलते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है 3.8, माने एक रुपये में आपको 3.8 रुपये फ़ायदा मिलेगा। तो ये सबसे हाईएस्ट है, और एक इसमें कॉम्पिटिशन भी नहीं होता है, क्योंकि सोरगम का जो रूट्स है ऊपर ही फैलता है, और अरहर का जो रूट है टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, ये नीचे तक जाता है। तो दोनों में कॉम्पिटिशन नहीं होता है, और ऊपर का भी सोरगम शॉर्ट ड्यूरेशन में, आपको 3-4 महीना में सोरगम ख़त्म हो जाएगा। अरहर का है लॉन्ग ड्यूरेशन वाले, मैंने लगभग 200 दिन तक चलेगा। तो तब तक हमारा फ्लेवरिंग जब तक शुरू हो जाएगा, हमारा सोरगम ख़त्म हो जाएगा, जो बीच का जो पोर्शन है उससे हम लोग उपज भी ले सकते हैं। इसके अलावा सोरगम के बाद हम लोग मेज भी ले सकते हैं, फिर हमारा बाजरा भी एक हो गया, पर्ल मिलेट जो बोलते हैं, ये भी ले सकते हैं। जब भी सीरियल के साथ जा रहे हैं तो दो जो रो है हमको सीरियल लगाना है, जैसे सोरगम, मिलेट, रागी भी लगा सकते हैं, मेज माने हमारा जो मखाई होता है वो भी लगा सकते हैं। ये सब दो रो लगाते हैं और एक रो अरहर लगाते हैं।